जी अब्दुल कादिर पटेल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सर इब्तदा शेर से करूं या इंतहा शेर पर? मेरे इस भाई को ये बड़ा एतराज था कि इसकी तकरीर मेरा चेयरमैन क्यों नहीं सुनता, तो इनके अपने पार्लियामेंटेरियन में से भी बहुत लोग चले गए, सहाफी भाई भी कदो काट को देखते हुए इनकी बारी पे बाहर चले गए थे। किस किस को जबरदस्ती बिठाओगे तुम? जितना इंसान का कद होता है उतनी ही पजीराई होती है, यह अलग बात है। भाग क्यों रहे अभी यार? ये पोज मत दिखाओ, कुछ होता है हमें, सीधे हो जाओ। ये सर गलत है, ये स्पीकर को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। इस तरह की जो है वो बातचीत ना की जाए तो बहुत। सर स्पीकर को पीठ नहीं दिखानी चाहिए, इस तरह के इनके अल्फाज को स्पीकर को पीट नहीं दिखानी चाहिए, अजब किया जाए। सर आप, मैं तो आपके हक में बोला स्पीकर को पीटना दिखाएं। सर ये आप ये अजब कर रहे हैं, आप ये भी अजब कर रहे हैं कि आपको कोई पीटना दिखाए? आप मेरी तरफ मुखातिब हो, आप इधर उधर ना देखें, तो वजह इस तरफ रखें। सर अगर कोई आपको पीट दिखाएगा और आपके सामने पीट दिखाते हुए झुक जाएगा, आपको मौका मिला है, आप अपना पूरा टाइम लें। सर मुझे 50 मिनट अल्लाह के शुक्र है आपने दिए। सर सर सबसे पहले बात तो मेरे भाई ने की कि ये हम सब यहाँ मेहनत करके आए हैं। सर ये बात इनकी 100% सही है कि हम सब यहाँ मेहनत करके आए हैं, और ये वाला बहुत मेहनत करके आया और बड़ी मुश्किल मेहनत करके आया सर, और बड़ी अलग किस्म की मेहनत करके आया जो कोई और नहीं कर सकता। ये मेहनत जो करके आया खुदा की कसम ये कोई नहीं कर सका, और अल्लाह किसी से ना करवाए वो मेहनत अल्लाह किसी से ना करवाए। बाकी तो सारे मेहनत करके आए जनाब अली। अब आगे चले, किसी ने बहुत खूब कहा था कि एक तुरफा तमाशा है कि इस दौर के बोने, एक तुरफा तमाशा है कि इस दौर के बोने अपने से बड़े लोगों का कद नाप रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई अहम मोड़ है, जिसके बारे में किताबों में कुछ लिखा हो, लेकिन मेरी इस भाई से बड़ी हमदर्दी है। इसने एक दिन में 4 पेपर पास किए, लोगों ने इशू बनाया। और सर इनके वालिद साहब जब हुसूल इल्म के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे तो ऑस्ट्रेलियनों ने उनको पकड़ के बंद कर दिया। आलमी साजिश है, पूरा आलम नहीं चाहता कि ये खानदान तालीम हासिल करे। सर इनके साथ मेहरबानी की जाए। इस बेचारे के खुद भी पेपर्स पर सवाल है और इसके वालिद को भी ऑस्ट्रेलिया में तालीम हासिल करने नहीं दी जाती। सर इन्होंने किसी, सर इसको दवाई खिला दे या बिठा दे सर इसको, इसका प्रॉब्लम पूछ ले सर। सर इन्होंने बार बार जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहिए होगी, जनाब स्पीकर ये तुफले जरदारी, तुफले इमरानी हमेशा वो भी हो गया, वो भी दे दे तो अच्छा है। सर ये जानशीन है जरदारी कहते रहे, और हमें इस बात पे फख्र है कि हमारे चेयरमैन साहब जानशीन जरदारी भी हैं और जानशीन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी हैं, लेकिन ये तिफले इमरानी जिसका जिक्र तफसील के साथ किताब में मौजूद है, और जो अपने कद से ज्यादा बड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन ये समझता है कि हमें इसका माजी और सियासत में आने की इसकी मेहनत नहीं पता, खुदा की कसम पूरा पाकिस्तान जानता है, यहां हमें बोलते हुए शर्म आती है। लिहाजा मौजू पर आ जाए, मईशत पर बात हो रही थी तो मईशत पर बात की जाए। अब ये कह रहा था कि जी वो भाग जाते हैं, तो तुम्हारा उससे क्या मुकाबला? तुम ले आओ अपने सिलेक्टेड को, हमारा चेयरमैन आ जाएगा। तुम तो खुद भाग गए हो, तुम तो अभी खुद भी मफरूर हो उससे। तुम ले आओ सिलेक्टेड न्याजी को, हम ले आएंगे अपने बिलावल भुट्टो जरदारी को, तो बात से बात हो जाएगी। और आओ ये कानों में बात ना करें, उनको पूरा मौका दें आप। अगर रफीला साहब उनको पता है सारा कुछ, आप ज्यादा ना समझाएं। जनाब अली हमें वो कुछ भी पता है कि जो बकौल अव्वल तो हम दीवार के पीछे नहीं देख सकते, हमने दीवार पे चढ़ के पीछे जरूर देख लिया है, हमें वो भी पता है। जनाब अली इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि यही मेरे भाई इकोनॉमिक भी ये बोलता था 1-2 अरब डॉलर लाएगा इमरान खान, हुकूमत का 200 अरब डॉलर, हुकूमत कायम होने के कब दूसरे दिन, और वर्ल्ड बैंक के मुंह पे मार देगा।
आज ये कहां गया, आज ये मफरूर है, भागा हुआ है। अब देखें, ये पहली बार है गवर्नमेंट भाग रही है सर, ये पहली बार है भागे। अभी रुको ना, अभी रुको तो सही, ये पहली बार है गवर्नमेंट भाग रही है सर, ये पहली बार है। ये कहते थे कि 15 लाख रुपए रोजाना करप्शन होती है, वो भाई उस 15 लाख रुपए का हिसाब तो दो। और ये कहते थे कि 10,000 अरब 15 अरब डॉलर और 10 लाख करोड़ हर साल इस मुल्क से बाहर चले जाते हैं, वो भाई वो पैसे कहां गए उसका हिसाब तो दो। वो तुम्हारा वजीर आजम कैलकुलेटर उठा के हर तकरीर में कहता था, पाकिस्तानियों तुम आज इतने के मकलूज हो, जब डॉलर सर 100-200 रुपए का हो गया तो अब ना वो तकरीर करता है ना हमें ये बताता है कि हम कितने मकरूज हैं। मैं आपको बताता हूं, जब इमरान की हुकूमत आई तो 1,60,000 का पाकिस्तानी मकरूज था, इन 18 में 1,20,000 का और 1,60,000 रुपए का 18 माह में इन्होंने हमें मकरूज किया है। अब ये डॉलर लाकर बताएं, अब ये कैलकुलेटर बताएं, हमें इमरान खान वो तकलीफ करके बताए जो कंटेनर पे क्या करता था, कि बिजली महंगी होगी वजीर आजम चोर है, गैस महंगा होगा वजीर आजम चोर है, दवाएं महंगी होगी वजीर आजम चोर है, आटा महंगा होगा वजीर आजम चोर है। इमरान खान चोर है, खुद उसने कहा था वो चोर है चोर है चोर है। आज ये सारी चीजें महंगी है सर। अगर बात करने पे इकोनॉमी की बात हो रही थी, तुमने खुदा की कसम पाकिस्तान के साथ वो सलूक किया है जो तारीख में तुमको सबसे स्टेबल पाकिस्तान मिला। कायदे आजम को जो पाकिस्तान मिला वो टूटा हुआ था। बैठो बैठो, अभी सुनो, कायदे आजम को जो पाकिस्तान मिला जनाब वो टूटा हुआ हिंदुस्तान था, उसने इस मुल्क को चलाया। और जब मेरे कायद जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान मिला तो वो 2 लाख था, जब बीबी को पाकिस्तान मिला तो वो बम धमाकों वाला मुशरफ ज़दा पाकिस्तान था। इनको जब हमें ये सीडी देखिए, ये मईशत पे एक मुस्बत बहस के लिए हमने कोशिश की है कि सारे आपस में बोले, एक दूसरे को बताएं। तो ये बात आप मुराद सही सब के लिए कह रहा हूँ जी, मैं यहाँ से बैठ के सिर्फ आपको अच्छा हुआ कह रहा हूँ, पूरे आप दीवान को कह रहा हूँ, हमारी बारी पे याद आ गया आपको। सर एक मिनट, तू चुप तो सही, बातचीत ना करें जी। जी अब्दुल कादर पटेल साहब, सर सर हमारे वक्त में आपको ये बात याद आ गई, बैठ जाएं आप, बैठ जाएं और लेकिन पूरा मौका दें उन्हें गौर। जब वो तुफले इमरानी तकरीर फरमा रहे थे, तुफले इमरानी, तब भी आपको ये बात बोल देनी चाहिए थी, आपको मैं शुक्रगुजार रहता। सर जब कायदे आजम को पाकिस्तान मिला तो वो टूटा हुआ इंडिया था, तनख्वाही नहीं थी देने की, उन्होंने ये जिक्र नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान चलाया। जब मेरे कायद को जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को पाकिस्तान मिला तो वो 2 लाख था, हमारे 90,000 कैदी कैद थे, उन्होंने ये नहीं कहा मैं नहीं चला सकता, पीछे जुल्म हो गया। जब हमें हुकूमत मिली तो मुशर्रफ ज़दा पाकिस्तान था, बमों के धमाके थे, लाइन आर्डर की सिचुएशन थी, हमने पाकिस्तान चलाया, बिजली का बहरान था, हमने पाकिस्तान चलाया। जब नून लीग को पाकिस्तान मिला तो भी मसाइल थे, खुदा की कसम इनको तारीख का सबसे स्टेबल पाकिस्तान मिला है जिसका इन्होंने सत्यानाश मार के रख दिया। और जनाब ये बात करते हैं, पहले अंडे की, फिर ये थोड़ा बकरी तक आ गए, फिर बोलते घास गाय से भैंस से दूध ज्यादा निकालो, कौन सा तरीका है भाई, बोलते इससे इकोनॉमी सही होगी। अभी और बात बोलते हैं हीरोइन चर्च की फैक्ट्रियां लगाओ, हूरों वाले इंजेक्शन लगाओ, खुदा के बंदो वो तुम लोगों को हुआ क्या है, ये मईशत सही करेंगे, ये अंडे से शुरू हुए चर्च पे खत्म हुए, इनको हूरे दिखती है, इनसे कोई पाकिस्तानी उम्मीद रख सकता है? सर दवाओं की कीमत 500 गुना ज्यादा हो गई, इन्होंने दम दुरूद तावीज गंडे वालों से खुफिया मुआहदे किए हुए, इन्होंने सर आप समझते क्यों किए हुए, क्योंकि दवाएं महंगी हो तो लोगों पीर फकीरों के पास फूके लगवाने चले जाएं, ये उनके साथ सेटिंग है। आप देखे जो हमारे बुजुर्गान दीन है सर, दवा जो इस तरह के लोग हैं, ये इस तरह की बातें आप ना करें कि आप अगर जाएं किसी के पास और वो दम और करूं, अगर दवा जो है इस तरह की बातें ना करें, इस तरह की कोई बात नहीं यहाँ पे की है। जो हमारे जो अकबरीन है, जो हमारे वो भी काबिल एहतराम है, अल्लाह के कलाम में बरकत है, अल्लाह के कलाम को दरमियान में मत लाएं। बात सुने सर, अगर दवा महंगी है तो मैं क्या उसका जिक्र ना करूं? आप अल्लाह के कलाम को दरमियान में मत लाएं। सर मैंने अल्लाह के कलाम, मैंने अल्लाह के कलाम का जिक्र किया, आपने कहा है कि दम दरूद और उस तरफ जाते हैं, सर दम और दरूद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में बरकत है। एक बात सुने सर, इन चीजों में मत है, इसी अगर आपको मुझसे बहस इस तरफ मत लिखा सर, अगर आप चाहते हैं कि मुझसे बहस फरमाएं तो सर आप स्पीकर साहब को सीट पर बिठाएं, आप आ जाएं, मैं आपके साथ आर्गुमेंट करने को तैयार हूं। आप इस स्पीकर, मैं इस कुर्सी की इज्जत कर रहा हूं, मैं उस कुर्सी की इज्जत कर रहा हूं जिसका फायदा उठा रहे हैं। मैंने आपको सर ये कहा कि देखें, पाकिस्तान में जब गरीब आदमी को दवाएं नहीं मिलती
जब गरीब आदमी की पहुंच से दवाएं दूर हो जाती हैं तो वो बेचारा सिर्फ दम दुरूद के सहारे पे चलता है। दम दुरूद भी जायज, लेकिन उसको दवाएं नहीं मिल रही, टोटल दम दुरूद पे क्यों ले जाया जा रहा है? सर मेरा ये कहना था आपसे, जरा हौसला रखें सर। अभी 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 ये कह रहे थे कि सर सब ठीक चल रहा है, ये सब कह रहे सब ठीक चल रहा है। अच्छा तो फिर आज वजीर आजम साहब ने नोटिस किस चीज का लिया हुआ है अगर महंगाई नहीं है? तो ये रिलीफ किस चीज का दे रहे हैं अगर महंगाई नहीं है? और इन्होंने ये अपने नए नए मंसूबे जो नाकाबिले अमल हैं, ये जो इन्होंने लंगर खाने, ये मुर्गियां, ये अंडे, अब ये कह रहे हैं यूटिलिटी स्टोर, इकोनॉमी का इनके पास कोई हल नहीं। आसफ और बेनजीर सपोर्ट कार्ड पर सर शहीद रानी जो है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी की लीडर नहीं थी, उन्होंने पूरे पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया की लीडर थी सर। उसने सर फखर से बुलंद किया पूरे पाकिस्तान का, लेकिन इनके दिल में एक छोटा चोर बैठा हुआ है। अब मैं उसको छोटा नहीं कह रहा, छोटा चोर है जो तंग करता है। ये समझते हैं कि बेनजीर के कद को छोटा करके हमारा कद बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बेनजीर का कद बहुत बड़ा है, वो लीडर पैदा हुई थी, तुम्हें लीडर बनाया गया जबरदस्ती, तुम कभी उसके बराबर नहीं आ सकते, तुम कभी उसके बराबर नहीं पहुंच सकते। वो लीडर पैदा हुई थी, लीडर पैदा होते हैं सर, ये इंजीनियरिंग फैक्ट्रियों में नहीं बनते। ये मेडन जहां से आए हमें पता है, वहां पर टूर पे इनके पलक पुर्जे लगाकर बहुत सारे आए बहुत सारे चले गए, इनमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट रह जाता है जो आपको नजर आ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज यहां पर पहुंच गया है। आपने बीआरटी पर क्यों स्टे लिया हुआ है अगर आप करप्ट नहीं है? हाँ आपने क्यों फॉरेन फंडिंग केस पे क्यों स्टे लिया हुआ है? आप तो करप्ट नहीं है, फैसला होने दो ना, क्यों? पता है ना घर जाना पड़ेगा, आटा चोर चीनी चोर कौन है पता है ना? अच्छा चेयर को मुखातिब करता हूँ, वो सारे चुप हो गए, अभी आपको करता हूँ सर। अभी आटा चोर चीनी चोर क्यों है पता है ना? राइट पे देखो तो चीनी चोर ना, अहल तरीन चीनी चोर, लेफ्ट पे देखो तो आटा चोर। वजीर आजम को इन्वेस्टिगेशन क्यों करानी है? अपने राइट हैंड पे देखे, सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पे देखे, बोलो दोनों को गिरफ्तार करो, बहरान ठीक हो जाएगा, वो बहरान ने खत्म ही हो जाना है। आपने तहकीकात किस चीज की करानी है? आपने अभी तक किया क्या है? कहां गए आपके 100 करोड़ नौकरी सर? कहां गया आपके वो लाखों डॉलर जो बाहर से आएंगे? 50 लाख घर कहां गए? आपको तो लेने के देने पड़े हुए, लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार कर दिए, गुर्बत से खुदा की कसम लोग फाका का शोर हैं, और इतनी ढटाई से ये झूठ बोलते हैं, ये जवाब इतनी ढटाई से झूठ बोलती है। ये होगा, ये होने वाला है। इनमें से किसी वजीर ने आज तक ये नहीं कहा कि हमने ये कर दिया है। वो कह रहे हैं हमारा टारगेट है, और एक कह रहा है हमारा ड्रीम है। भाई ये ड्रीम तो हूरों वाला भी था क्या? ये वही है? ये तो इंजेक्शन लगा के ड्रीम देखने लग जाते हैं, कौम की हालत का इनको क्या पता, गली कूचे में तो ये जाते नहीं। अब एक कहता है हमारा ख्वाब है कि हम ये करेंगे, और दूसरा कहता है हमारा टारगेट है हम ये करेंगे। होना कुछ नहीं है इनसे, होना इनसे कुछ नहीं है। आगे चले सर, इकोनॉमी पे बात करते हैं ना, बहुत है इकोनॉमी के लिए तो सर। अभी आ गए ना वजीर, ठीक है सर। अभी वो वजीर सर, हालांकि मैं तो चाहूंगा कि मैं उन साहब से भी इकोनॉमी का हाल पूछूं जो फाइनेंस कमेटी के स्टैंडिंग के चेयरमैन थे नून लीग के जमाने में। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस उसके चेयरमैन थे, वो खुद आज कहते हैं कि हम जो उस वक्त गलत कर रहे थे वो गलत कर रहे हैं, आज जो आप आज कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हमें इतना तो बताया जाए। और फिर बुग्जे भुट्टो में आप उस शहीद जुल्फकार अली भुट्टो तक जा पहुंचते हो, जिसके दम से, जिसकी सोच से आज इस ऐवान में बैठे हो, इस आईन के तहत बैठे हो, इस जमहूरियत के नाम पे बैठे हो, और खुद को वजीर आजम कहते हो। ये उसकी शहादत की वजह से आज तुम्हें ये मकाम मिला है, नाम भी ना लो उसका। तुम तो वो हो जो मरहूम अब्दुल सत्तारी दी के बकौल वो क्लिप मौजूद है कि तुम तो वो कौन था जनरल जिसके साथ वो भी गए थे वहां, वो जनरल हमीद गुल के साथ अफगानी ईदी साहब के यहां गए, यही इमरान खान कि हमें बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत का तख्त उलटना है, आप सदर बन जाओ, मैं वजीर आजम बन जाऊं। उसने बोला नहीं भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं आता। फिर ये मुशरफ के पास गया, बोला तुम सदर बन जाओ मैं वजीर आजम बन जाता हूं। उससे बोला तुम भी मुझे नहीं चाहिए। ये तो कोई 20-25-30 साल से वजीर आजम बनता घूम रहा है, इसका क्या मसला है? अभी इसको किसी और ने पकड़ लिया वजीर आजम, इसने बोला हाँ चलो बनता हूं, लाके बिठा दिया। उस दिन से भागा हुआ है, कौम गरक, मुल्क गरक, बेड़ा गरक, कोई पता नहीं कहां है। अभी ये बोलते हैं वजीर आजम हाउस को हम लोग जो है वो यूनिवर्सिटी बनाए, और कहते हैं कि हमने वहां सारे मुलाजमीन खपा दिए। हमारे पास इराक के मुलाजमीन की लिस्ट मौजूद है, जिन 300-350 लोगों को वजीर आजम हाउस के एक फोन पे फारिग कर दिया गया कि जाओ तुम्हें नौकरी पे नहीं रखना। ये है रियासत मदीना, उनके चूल्हे सर्द कर दिए गए। और यहां सवाल के जवाब में बताया गया कि इराक के मुलाजमीन को दूसरे महकमों में खपा दिया गया, इस पर हम प्रिविलेज मोशन जरूर लाएंगे। सर आज आप सिंध हुकूमत पर बात करते हो, सिंध पिछली हुकूमत ने ऐसा ही एक सेहत कार्ड निकाला था, आपने क्यू के पी के में वो लेने से इनकार कर दिया था।
आप मुझे बताएं, हमने हालांकि इनकार नहीं किया सर, चंद गलत लोग अगर उसमें शामिल हो गए हों तो 9 लाख गरीबों को उसकी सजा नहीं दी जा सकती। ये तिफले इमरानी को बता दें सर, ये बहुत ज्यादा मेहनत करके और अजीब मेहनत करके आने वाले ऐवान उस शख्स को बता दें कि लाखों लोग को आप अपनी नफरत का शिकार मत करें, क्योंकि उस कार्ड पर अजीम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की फोटो छपती है जिससे तुम्हें जलन हो चुभन होती है। अपने काम से काम रखो तो बेहतर होगा। आपकी हर चीज पर, हर माशी कदम पर मेरे चेयरमैन ने आप ही के हुकूमत के स्टेटस दे दिए, आदादो शुमार आप ही के इदारों के थे, आप ही के वक्त के थे। आपने क्या तकरीर की, आपने हस्ब रिवायत जहालत पर, जातियात पर आकर शोर शराबा और चीखना चिल्लाना, जिसके बारे में पहले भी कह चुका हूं कि आराम से करे तो ये बात हो सकती है, लेकिन आदत जो चीखने की तो हर बात में चीखें निकलती है, तो आराम से भी ये बात कर सकते, लेकिन नहीं, इन्होंने चीखना है जाती हमले करने। सर मईशत पे बिलावल साहब से ज्यादा बेहतरीन तकरीर आज तक तो मैंने इस हाउस में नहीं सुनी, जो उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर दिए, लेकिन हाल इनका ये, हाँ इनको उनकी तकरीर पसंद आती है जो बोलते हैं जर्मनी और जापान साथ है, जो बोलते हैं इंजेक्शन लगाओ हुए देखो, जो बोलते हैं चरस की हीरोइन की फैक्ट्री लगाओ नौजवानों को रोजगार दो, जो बोलते हैं दूध भैंस से ज्यादा निकालो भी जबरदस्ती कैसे निकाले भाई, जो बोलता है दरख्त रात को ऑक्सीजन छोड़ते, जो बोलता है कब्र में रात को इंसान को सुकून कब्र में मिलता है, ये जो वो टैगोर के और उसके मिक्स कर देता है दानिशवरों के फलसफे, वो सर खुदा की कसम जो एक अरब दरख्त लगा लेता है और जो 12 मौसम साल के पैदा कर लेता है, ये आदमी अपनी नौयत का अपनी नस्ल का एक ही आदमी है पूरी दुनिया में। इसको अभी से वर्षे में रखो, इसको अभी से अजायब घर में रखवाओ सर, कसम से भाग कर तो मिलेगा नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, इसको अभी से अजायब घर में रखो, क्योंकि ऐसी बातें करने वाला इस तरह का नमूना दोबारा नहीं मिलेगा हमें। तो मैं सर आपको ये बता दूं, नहीं मैंने नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया सर, मैंने नाम ही नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया भाई, सर आपस में बातचीत ना करें, आपस में बातचीत ना करें, बैठे आप आज ये वाली इस तरह की बातचीत ना करें, बिल्कुल बैठे किसी का नाम नहीं लिया, बिल्कुल सर ये आज खेलते हैं बिल्कुल, आपस में इस तरह की बात ना करो, आज ये कहते किसी के बारे में इस तरह की बात ना करो, सूबों की कारकर्दगी पे आए सर, सोहेल अयाज जिसने 30 से ज्यादा बच्चों का रेप करके उसकी वीडियो वेब डार्क वेब पे अपलोड की सोहेल अयाज, उसको केपीके में लाखों रुपए के एवज नौकर किसने करवाया, जवाब दो, खाली बातें ना करो, आप सुबह की कारकर्दगी पे बात करो, सिर्फ टाइप सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करते हो, सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करते हो, पॉइंट स्कोरिंग के अलावा कुछ भी नहीं आता, जाओ केपीके में निकलो, सड़कों पे निकलो, मेरे साथ चलो, रोड जोन से बाहर निकलो, तुम्हारा एमपी एमएनए जहां जाता है जूते खा रहा है, खुदा की कसम तुम लोगों ने इस मुल्क और कौम के मुकद्दर में अंधेरा लिख दिया है, इस मुल्क और कौम के आवाम ने जूते तुम्हारे नसीब में लिख दिए हैं, गरीब तुमसे परेशान है, मुकद्दर आदमी तुमसे बेजार है, तुमने मुल्क की मईशत का सत्यानाश कर दिया है, पूरे दिखने के अलावा तुम्हें कोई काम नहीं है, ये लोग जल्दी जल्द आवाम में, और सर नर्सें भी, इन नर्सों की भी बेइज्जती की गई सर, इन नर्सों की भी बेइज्जती की गई, वो हमारी खिदमत करती है, वो कम, हम हमने सिस्टर कहते हैं सर, नर्सों का दूसरा नाम सिस्टर है, वो कम तनख्वाहें लेकर दिन रात हमारी खिदमत करती है, और इसको देखो बोलता है हूरे, इसको इन मामलात के अलावा इसको निकालो सर इन मामलात में से, तो बाकी मामला सही होंगे, ये कसम खुदा की उधर ही रह गया तो हम लोग भी इधर ही रह जाएंगे, तो इसको भाई आप वजीर आजम बनाओ मेहरबानी करके, इसको झंझोड़ के बनाओ, इस मुल्क को कौम का कुछ हो, और सर अगर मेरी क्यादत को कभी कुछ कहा जाएगा, मेरी क्यादत के बारे में गलत लफ्ज इस्तेमाल होगा, तो याद रखिएगा कि फिर बचेगा कोई भी नहीं, फिर मैं आखिरी बार वो वजह भी बताऊंगा जो मेरे शहीद कायद के लिए एक बात कही जाती है कि अयूब खान को वो डेडी कहते थे, मैं नहीं कहना चाहता वो क्यों कहते थे, मुझे मजबूर ना किया जाए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मिस्टर।